Now there is next theorem. If a side of a triangle is produced, means एक triangle की side को, एक side को C B को मैंने produce कर दिया, then exterior angle so formed A B X, ये आपका exterior angle बन गया, is equal to the sum of interior opposite angles. हमने prove करना है कि angle A plus angle C, interior अंदर वाले opposite, means जहां पर side extend की है ठीक उससे opposite वाले angle हमने इनके सम के इक्वल प्रूव करना है. तो हमने लिखेंगे टू प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है, एंगल ए बी एक्स, जो एंगल ए बी एक्स है दिस इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, ये अपने को प्रूव करना है. तो हम प्रूफ के लिए क्या करते हैं, हम नंबरिंग कर लेते हैं यहां पर वन टू, आसान हो जाता है इसे, एंगल थ्री एंड एंगल फोर, दिस इज इक्वल टू एंगल फोर. प्रूफ में क्या करना है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल वन प्लस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू 180. इसको आप इक्वेशन नंबर वन दे दीजिए. फ्रॉम द फिगर एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, आप इसको टू दे दो, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, सो फ्रॉम वन एंड टू एंगल वन प्लस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर, थ्री से थ्री कैंसल, और एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल वन प्लस टू, हेंस फोर, फोर का मतलब ए बी एक्स, एंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, हेंस द प्रूफ. इसी के साथ बच्चों ये भी आ जाता है कभी कभी कि जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज ग्रेटर देन वन और टू, मीन्स जो एंगल फोर है वो वन प्लस टू का सम है, दोनों का सम है. इसका मतलब अलग अलग से अगर हम करेंगे इसके बाद हम ये लिख सकते हैं, देयर फोर एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल सी. ये आपका अगर अगली थ्योरम थोड़ी सी है, इसके नीचे स्टेटमेंट है बुक में, तो अगर ऐसा हो तो आप इसको आगे ऐसे कर देंगे. थैंक यू.